दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनेक मूवी के रिव्यू के बारे में। फिल्म की कहानी एक अलगाववादी समूह के साथ पूर्वोत्तर में शांति संधि पर बातचीत की कहानी है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना किसी समाधान के दशकों से चली आ रही है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना को एक अंडरकवर ऑफिसर के रोल में दिखाया गया है, जो पूर्वोत्तर में जोशुआ बनकर काम करता है। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि आयुष्मान खुराना को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उस क्षेत्र के शीर्ष नेता टाइगर सांगा को बातचीत करने के लिए तैयार करें। भारतीय सरकार टाइगर सांगा के साथ शांति स्थापित करना चाहती है, लेकिन इस काम को अंजाम देते हुए उसे यह एहसास होता है कि सब कुछ उतना आसान एवं साफ नहीं है जितना उसने सोचा था। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि भारत में किस तरह पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, और ये फिल्म इस दर्द को उस पर्दे पर अच्छी तरह दिखाने में सफल रही है। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो इस बार भी स्क्रीन पर आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छा काम किया है। हर सीन पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। एंड्रिया द्वारा नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी लड़की के किरदार में है जो इंडिया के लिए बॉक्सिंग करना चाहती है, लेकिन उसके अपने ही लोग खुद को इंडिया का हिस्सा नहीं समझते हैं। आयुष्मान खुराना के बॉस के किरदार में है मनोज पाहवा, और जेडी चक्रवर्ती और कुमुद मिश्रा का भी किरदार बहुत कमाल का है, और नॉर्थ ईस्ट के सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म के कंक्लूजन की बात करें, फिल्म थोड़ा हैवी और स्लो है, ये मसाला एंटरटेनर नहीं है। तो अगर आप मसाला फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म से आप निराश हो सकते हैं। आपको ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो दर्द महसूस करते हैं जो ये फिल्म आपको महसूस कराना चाहती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इस फिल्म की गहराई को समझेंगे तो आयुष्मान खुराना और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा दोनों की तारीफ करेंगे। ओवरऑल बात करें तो फिल्म की कहानी बेहद अच्छी है। एक बार आप जरूर देखकर आएं और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।